नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज फिर से एक फॉल्ट लेकर आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये हमारे पास देख सकते हैं सोयर कंपनी का एक 40 इंच का टीवी आया हुआ है। तो ये अभी डेड कंडीशन में है, तो मैं इसको अभी पहले बैक कवर खोल लेता हूँ। मैंने वैसे सेट खोल ही रखा है, इसको बैक कवर खुला ही हुआ है शायद। हाँ, लड़के ने खोल दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें ये वाला बोर्ड लग रहा है। ये बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है दोस्तों, इसकी क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है। शायद इसका ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो गया हो, तो इसमें देखिए इन्वर्टर भी यूज़ किया गया हुआ है। ये वाला 80-85 वोल्ट तक के लिए काम करता है इन्वर्टर ही, तो ये इन्वर्टर यूज़ किया गया हुआ है इसमें। तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं क्या किस कंडीशन में है। ये हमने देखिए इसका प्लग लगा दिया है, बट इंडिकेटर में कुछ भी नहीं है। इसका बैक लाइट ऑन हो गया है, देख सकते हैं बैक लाइट ऑन हो गया इसका। तो एक बार हम सेट उठा के देखते हैं किस कंडीशन में है। दोस्तों ये ब्लैंक है, एक बार इसके पैनल के वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या अभी इसमें सिम्टम है। ये हमने मीटर लगा लिया, मैं इसका पहले पैनल का वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको। दोस्तों पैनल में कोई भी वोल्टेज नहीं है इसका, इसका जो VCC 12 वोल्ट है आना चाहिए वो ऑन नहीं है। लेकिन देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है, ये बैकलाइट वगैरह ऑन हो चुका है। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनता है, जिससे इसको स्विचिंग दे रखा है। बाकी हमारा देखिए LVDS के पिन पे हम लोग प्रॉब रखे हुए हैं, बट कोई भी वोल्टेज नहीं है, हमारा पैनल का कोई वोल्टेज ऑन नहीं है इसमें। तो फिलहाल इसको हम बोर्ड को देखिए बाहर निकाल लेंगे, बाहर के अभी हमें इसको भी ओपन करना पड़ेगा, सेट सिंक को जो IC के ऊपर लगा हुआ है। इसको निकालने के बाद बाकी इसके वोल्टेज चेक करेंगे क्या दिक्कत है। ये सॉफ्टवेयर का तो दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर की इशू भी हो सकती है इसमें। बट दोस्तों वीडियो में बने रहें आप लोग, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको कुछ अच्छा ही नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। कोई भी छोटा छोटा देखिए फॉल्ट तरीका छूट जाता है अगर आप स्किप कर करके देखेंगे। तो मेरा कहना तो यही है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक आप लोग, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। और अगर आप मेरे दोस्तों चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट मदरबोर्ड के पैनल के, खासकर ज़्यादा मैं पैनल का ही इसमें वो डालता हूँ फॉल्ट वगैरह, क्योंकि मदरबोर्ड तो देखिए हर कोई अभी रिपेयर करने लगा है, बट अभी भी 100 में से 70% लोगों को आता नहीं है मदरबोर्ड रिपेयर करना सही तरीके से। बट मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से मदरबोर्ड भी सारे रिपेयर करने का अभी टिप्स बताऊँगा। तो दोस्तों अभी चैनल पर बने रहें आप लोग, और ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके मेरे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे, फिर आगे का आपको जानकारी देते हैं। देख सकते हैं साथियों, हमने इसका IC का हीट सिंक जो है इसको हमने ओपन कर लिया, इसको खोल के ओपन कर लिया। तो अब तो सबसे पहले इसके बेसिक वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे हम लोग, क्या इसमें वाकई सॉफ्टवेयर का दिक्कत है या नॉर्मली हार्डवेयर से ये हो जाएगा। तो इसका पावर पहले इन करता हूँ मैं। ये देखिए पावर इन करते हैं, इसका बैकलाइट तो ऑन हो गया है। तो इसका ये IR ओपन हो गया था, तो मैंने इसे कनेक्ट किया अभी। तो देख सकते हैं साथियों, सेट को हमने ऑन किया है जैसे, और एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऑफ़ किया, अब ऑन करता हूँ मैं। ऑन करते ही डायरेक्ट हमारा बैकलाइट ऑन हो जा रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखिए बहुत से क्या होते हैं कि सोचते हैं कि ये रेगुलेटर यहाँ से डायरेक्ट वोल्टेज आ रहा होगा, लेकिन नहीं,
यहाँ से दोस्तों ये रिलीज़ होने के बाद, स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनता है 5 वोल्ट इनपुट होके। मैंने इस बोर्ड में पहले भी काम किया हुआ है तो मुझे आइडिया है इसका। तो सबसे पहले तो मैं इसका वोल्टेज चेक कराऊँ एक बार आपको, बेसिक वोल्टेज जो भी है इसके। तो जैसे मैंने बोला, देखिए इसका इस रेगुलेटर पे इनपुट होगा 5 वोल्ट, देख सकते हैं इनपुट है 5 वोल्ट और ये आउटपुट 3.2 आउट हो रहा है इसका। अभी हमारा अभी ये वाला जो रेगुलेटर है दोस्तों, ये देखिए ये 5 वोल्ट है जो कि इसी में 5 वोल्ट जा रहा है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। और यहाँ हमारा लगा हुआ है 3118, तो जिसमें हमारा एक 3.3 देख सकते हैं आप लोग और हमारा 1.8 आउट होगा, इसमें 1.8 भी आउट हो रहा है, बट ये भी स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद ही बनना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस वाले कॉइल पे, इस वाले कॉइल पे हमारा 1.5 के आसपास होना चाहिए जो कि ओके है 1.5। और ये जो है हमारा ये वाला कॉइल, ये है 1.2 वोल्ट, तो देख सकते हैं दोस्तों 1.2 वोल्ट हमारा नहीं बन रहा है, इसमें मिसिंग है। कॉइल के इस साइड में चेक कर लेता हूँ, देखिए कॉइल के इस साइड भी नहीं है। और मैं आईसी का जो इनपुट है इसमें 5 वोल्ट या शायद 12 वोल्ट आना चाहिए, वो चेक करता हूँ। देखिए इसमें 12 वोल्ट तो आ रहा है आईसी में, इस वाले रेगुलेटर में, इसमें तो हमारा 12 वोल्ट मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं ये 12 वोल्ट प्रेजेंट है इसमें, लेकिन इसका जो आउटपुट है 1.2 वोल्ट वो प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इस रेगुलेटर को निकालेंगे और इस कॉइल को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कॉइल और ये रेगुलेटर तो निकाल लिया इसका, बट हमारे कॉइल नहीं निकालते तो भी ठीक था हमारे लिए, बट हमने ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार मैंने ओपन कर लिया, तो एक बार और ऑन करके देखता हूँ क्या कंडीशन में आता है। इसमें देखिए दोस्तों, ये दोबारा ऑन करते ही हमारा बैकलाइट ऑन हो गया। अब मैं देखिए दोस्तों, मेरे पास तो इसका सेम बोर्ड है नहीं, ना ही मुझे इसका रेगुलेटर मिलेगा, तो मेरे पास एक देखिए ये वाला बक कन्वर्टर है, तो इसको मैं अभी इसमें कनेक्ट करूँगा। ये मैं एक टेस्टिंग के लिए रखता हूँ अपने पास, तो अभी मैं इसमें कनेक्ट करूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस कन्वर्टर को तो लगा दिया है, तो यहाँ पे इस रेगुलेटर पे जो यहाँ पे कॉइल लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट आना चाहिए, तो 1.2 वोल्ट जैसे मिसिंग था हमारा, तो देखा आप लोगों ने, मैंने ये कन्वर्टर लगा के डायरेक्टली इससे 1.2 वोल्ट इसमें दे दिया, और इसी के यहीं से मैंने सप्लाई भी ले लिया। ये देख सकते हैं यहाँ जो इसका रेगुलेटर पे 12 वोल्ट आ रहा था, और माइनस भी मैंने यहीं से दे दिया। तो इसको एक बार हम लोग ऑन करेंगे, देखते हैं ये अब हमारा किस कंडीशन में आता है। ये दोस्तों अभी ऑन कर रहा हूँ मैं उसको, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका पहले नो इंडिकेटर में था हमारा ये सेट, अब इसमें इंडिकेटर भी ऑन हो गया इसका, तो यहीं से एक बार हम लोग ऑन करेंगे। मैं सप्लाई पहले चेक करा देता हूँ आप लोगों को, जो मैंने यहाँ पे दिया है देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं 1.2 वोल्ट है इसमें, 1.25 के आसपास, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसको मैं अभी ऑन करूँगा एक बार, ये देखिए ऑन करते ही इसमें सारे ये बैकलाइट वगैरह ऑन हो गए। अभी दोस्तों पहले मैं आपको एक बार इसके ऑफ कंडीशन में वोल्टेज चेक कराता हूँ, मुझे दोबारा स्विच ऑफ करना पड़ेगा इसका। अभी जैसे मैंने दिखाया था आप लोगों को, देखिए इसका इंडिकेटर तो ऑन हो गया है, देख सकते हैं आप लोग, पहले ये नो इंडिकेटर नहीं था सेट। तो यहाँ जो मैंने आपको वोल्टेज सिस्टम दिखाया था, तो इसमें डायरेक्टली 3.3 वोल्ट था जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है, और यहाँ हमारा इस वाले 1.118 में 1.8 भी डायरेक्ट बन रहा था जो कि अभी नहीं है, और 3.3 इसमें आ रहा होगा, देखिए 3.3 आ रहा है इसमें, और ये हमारा 1.5 तो ये प्रेजेंट ही रहेगा।
तो जब इसको मैं ऑन करूँगा यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ऑन किया प्रॉपर तो ऑन हो गया, इसका ग्रीन इंडिकेटर पे आ गया। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो तरीके से ऑन होना चाहिए हमारा सेट, 3.3 भी आ गया और यहाँ पे 1.8 भी आ गया और यहाँ तो हमने 1.2 वोल्ट दे ही दिया इसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सेट हमारा दोस्तों रेडी हो गया अभी, तो मैं इसका अभी देख सकते हैं वोल्ट, अभी वीडियो वगैरह चेक कराता हूँ आपको एक बार डिस्प्ले का। ये देख सकते हैं ये स्मार्ट बोर्ड है, जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही बढ़िया बोर्ड है, ये इसकी क्लैरिटी वगैरह बहुत अच्छी आती है, विजडम शेयर का इसमें सॉफ्टवेयर है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने एक डेड सेट आया था हमारे पास, तो इसको हमने अभी बिल्कुल ओके कर लिया, बिल्कुल कोई भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट ओके हो चुका है। तो अब इसको हम फिटिंग करके कस्टमर को बाय हैंड कर देंगे, ये सेट हमारा बहुत ही प्यारी तरीके से रिपेयर हो गया। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, जैसा कि मैं बताता हूं दोस्तों मैं हर एक वीडियो आपको पहुंचाना चाहता हूं आप तक, ताकि आपको भी रिपेयरिंग में बहुत ही आसानी मिले, सहूलियत मिले। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, देखिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, लाइक कीजिए, तो ऐसे ही वीडियो मैं आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।